हेलो एवरीवन, ऐसा देखा गया है एसी के अंदर 90-95% केसेस में लीकेज की समस्या आती है। ओके, तो चलिए इस वीडियो में नज़र डालेंगे कि एसी में लीकेज की समस्या आती कैसे है और वोल्टाज लीकेज की समस्या को कैसे डील करता है। ओके, तो ऐसा देखा गया है जब भी हम अपना एयर कंडीशनर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में चलाते हैं तो एसी के कूलिंग कॉइल्स पर लगातार मॉइस्चर बना रहता है। ओके, और जब भी मॉइस्चर लगातार बना रहता है और क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो कूलिंग कॉइल्स के ऊपर मॉइस्चर और डस्ट जब एक साथ रहता है तो वहाँ पे रस्टिंग बन जाती है, और जब ये रस्टिंग ज़्यादा टाइम तक रहती है तो लीकेज बन जाती है। ये पहला रीज़न है जिसकी वजह से लीकेज होती है। दूसरा रीज़न है, अगर आपके रेजिडेंस के आसपास कोई नाला या ड्रेन वगैरह निकला हुआ है तो वहाँ पे कुछ गैसेस वगैरह कुछ ऐसी प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से वहाँ पे लीकेज की समस्या आती है एसी के अंदर। चलिए अब बात करते हैं वोल्टाज इस समस्या को कैसे डील करता है। वोल्टाज एसी में, एसी के इंडोर यूनिट में ब्लू फिन का प्रोडक्शन आता है जो कि एंटी कोरोसिव होता है, और साथ ही साथ जहाँ पे हेयर पिन होता है या जहाँ पे यू वेंड होता है, जहाँ पे कॉइल जॉइंट होता है, वहाँ पे एंटी कोरोसिव प्रोडक्शन आता है, जिसकी वजह से लीकेज की समस्या नहीं आती है या रस्टिंग नहीं होती है। यहाँ पे मॉइस्चर आता भी है तो मॉइस्चर टिकता नहीं है। इन केस आपका रेजिडेंस किसी नाले के किनारे पे, किसी ड्रेन के आसपास है, तो वहाँ भी वोल्टाज एसी का जो कूलिंग कॉइल्स है उसमें अगर देखा जाए तो किसी नॉर्मल एसी कंपैरिजन में कम से कम 2 गुना ज़्यादा चलने वाला है। तो इस तरह से वोल्टाज एसी का ब्लू फिन और जो हेयर पिन प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वोल्टाज एसी एक नॉर्मल एसी कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। थैंक यू।